भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स की ओर से नई भर्ती का नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया गया है। इस भर्ती में भारतीय किसी भी राज्य से आप आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप सिंपल 10वीं पास कैंडिडेट है यानी कि अगर आपने मेट्रिकुलेशन पास किया हुआ है तो भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। आप यहाँ पर नोटिफिकेशन में भी चेक कर सकते हैं, सिंपल 10वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे, महिला और पुरुष कैंडिडेट भी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। इंडियन एयरफोर्स रिक्रूटमेंट 2021 वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो कंप्लीट देखेगा, तभी सभी क्वेश्चन के आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम जिस रिक्रूटमेंट की बात करेंगे वो भारतीय वायुसेना की ओर से सीधी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इस भर्ती में भारतीय किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हैं, महिला और पुरुष कैंडिडेट भी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। और अगर आप सिंपल 10वीं और 8वीं पास कैंडिडेट है तो भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर एक वैकेंसी को छोड़कर बिना किसी दौड़ के यहाँ पर भर्ती होने वाली है। सभी जानकारी आपको वीडियो में दी जाए, कितनी यहाँ पर आपके हाइट होना चाहिए, कितना वेट होना चाहिए, कैसे आपको यहाँ पर जिस भर्ती के लिए आवेदन करना होगा, सभी जानकारी के लिए आपको इस वीडियो कंप्लीट देखना होगा। लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर हम इंस्टाग्राम फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको मैंने तभी लाइक करना, नहीं तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। जो इस भर्ती का रिक्रूटमेंट और उसका नेम रहेगा वो इंडियन एयरफोर्स यानी कि भारतीय वायुसेना की ओर से यहाँ पर यह भर्ती चलने वाली है। अप्लाई मोड जो होगा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। हु कैन अप्लाई, तो भारतीय किसी भी राज्य से आप आवेदन कर सकते हैं। महिला और पुरुष कैंडिडेट भी यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। जॉब लोकेशन और एग्जाम सेंटर जो आपके रहेंगे ऑल ओवर इन इंडिया यानी कि पूरे भारत में कहीं भी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अगर हम इस भर्ती के फिजिकल डिटेल के बारे में बात करें यानी कि जो आपकी हाइट रहेगी, मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए यहाँ पर कोई हाइट नहीं होगी। और अगर आप नॉर्थ जोन कैंडिडेट है यानी कि अगर आपके डिस्ट्रिक्ट जोन में आते हैं, जो आपकी हाइट रहेगी मेल कैंडिडेट के लिए, अगर आपकी हाइट 155 सेंटीमीटर है तब भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको यह मालूम नहीं है कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है कौन जोन में आती है तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जाना है, वहाँ पर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम बताना है, तो मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है कौन जोन में आती है। तो नीचे हो सके तो कमेंट बॉक्स में अपने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम जरूर बता कर जाना। जो आपके यहाँ पर चेस्ट होना चाहिए कि 80+5 सेंटीमीटर फ्लो भी होना अनिवार्य है और कम से कम आपके यहाँ पर 50 kg वेट भी होना अनिवार्य है। जो आपके यहाँ पर दौड़ होगी 183 मीटर के लिए आपको यहाँ पर 96 सेकंड का समय भी दिया जाएगा केवल और केवल एक पोस्ट के लिए। कौन सी पोस्ट होगी उसकी जानकारी मैं आपको नोटिफिकेशन में ही दे पाऊंगा। अगर हम इस भर्ती के पे स्केल की बात करें यानी कि जो आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी 18,000 रुपये से लेकर 33,100 रुपये पर मंथ तक आपका पे स्केल लेगा। बाद में यहाँ पर इसको इंक्रीज भी कर दिया जाएगा यानी कि इतनी सैलरी आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में दी जाएगी। अगर हम इस भर्ती के एप्लीकेशन फीस की बात करें, सभी कैंडिडेट के लिए बिल्कुल फ्री होगा। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल फ्री में इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर हम इस भर्ती के एज लिमिट के बारे में बात करें, अगर आपके 18 ईयर से लेकर 25 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। ओबीसी वालों के लिए 18 ईयर से लेकर 28 ईयर और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 18 ईयर से लेकर 30 के बीच में अगर आपकी एज आती है तब भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो एज काउंट की जाएगी 30 अक्टूबर तक की जाएगी यानी कि 30 अक्टूबर को आपकी जिन्हें 18 से कम हो न 25 से ज़्यादा हो, यानी कि आपको एज में छूट दी गई है। एससी एसटी वालों को 5 की दी गई है, ओबीसी वालों को यहाँ पर 3 छूट भी दी गई है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। इस भर्ती फिजिकल डिटेल मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अधिक जानकारी के लिए वीडियो को पॉज करके भी यहाँ पर सभी जानकारी आप ले सकते हैं। अगर आप इस भर्ती की निम्न जानकारी लेना चाहते हैं आपको यहाँ पर क्लिक पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा जिस पेज पर आपको निम्न जानकारी प्रोवाइड की गई है। ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपके पास इन डॉक्यूमेंट का होना अनिवार्य यानी कि इनकी जीरोक्स भी आपके पास होना अनिवार्य है। फोटो सिग्नेचर, जो आपके पास फोटो होना चाहिए उसका बैकग्राउंड लाइट कलर का होना अनिवार्य है। एजुकेशन सर्टिफिकेट, डोमिसाइल कार्ड सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड अगर आपके पास है तो आप इस भर्ती के लिए भाग ले पाएंगे। पर अगर किसी कारण से आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड नहीं है तो भाई आप यहाँ पर कोई और आईडी भी दे सकते हैं, आप उससे भी इस भर्ती का आवेदन फिल कर पाएंगे। अगर हम इस भर्ती के एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने 10वीं 12वीं आईटीआई डिप्लोमा कुछ भी किया हुआ है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मैं आपको नोटिफिकेशन में बता दूंगा कौन सी पोस्ट के लिए कितनी क्वालिफिकेशन आपके पास होना अनिवार्य है। तो हो सके तो वीडियो कंप्लीट देखते रहिएगा। अगर हम इस भर्ती के सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, सबसे पहले आपका यहाँ पर रिटन एग्जाम होगा, फिजिकल टेस्ट फायरमैन पोस्ट के लिए होगा और जो इसके बाद आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा। इस भर्ती का आवेदन करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पर आ जाना है, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।
एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के फ्रेंड्स आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती का जो एप्लीकेशन फॉर्म आया हुआ है वो आपके सामने आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर प्रिंट निकलवाना है, निकलवाने के बाद आपको यहाँ पर अपना फोटो लगाना है, फोटो को आपको यहाँ पर सेल्फ टेस्टेड कर देना है। फिर आपको यहाँ पर बताना कौन सी पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, यूनिट का नाम आपको नोटिफिकेशन में ही बता दूंगा। इसके बाद आपको यहाँ पर कैंडिडेट का नेम, उसके पापा का नेम यानी कि फादर नेम, आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ का जो सर्टिफिकेट है वो देना होगा, यानी कि आपको यहाँ पर मार्कशीट देना अनिवार्य रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, पर कोरस्पोंडेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस यानी कि डिस्ट्रिक्ट, पोस्ट ऑफिस, स्टेट, पिन कोड आपको यहाँ पर सभी जानकारी फिल करनी है। फिर आपको बताना किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पर देना है, नहीं तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। आपको कहने की बात ये आपको यहाँ पर ये वाला फॉर्म फिल कर लेना है, और आपको यहाँ पर ये वाला जो फॉर्म है यहाँ पर सबसे नीचे आएगा, ये आपको फिल नहीं करना, आपको यहाँ पर केवल और केवल सिग्नेचर करके इसको देना होगा। और ये जो फॉर्म है फिल करने के बाद जो एड्रेस होगा उसकी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट पर दी गई है, इस वाले एड्रेस पर इसको सेंड करना होगा। अब बात करें यहाँ पर इस भर्ती का फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती का फुल नोटिफिकेशन प्लस एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं, आपको यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी दी गई है 83 वैकेंसी दी गई, टोटल जो पोस्ट नेम होगा ग्रुप सी की आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई, जो पोस्ट नेम होगा टोटल आपको यहाँ पर 7 प्रकार की वैकेंसी दी गई है, LDC यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क, MTS, स्टोर, OG, कुक, कारपेंटर, फायरमैन के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। सभी के सभी वैकेंसी पर ऑल इंडिया कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। आपको यहाँ पर यूनिट के नाम बताएगा जो कि आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करने होंगे, यूनिट का नाम, जिस यूनिट का आप यहाँ पर नाम फिल करेंगे उसी की वैकेंसी के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। आपको यहाँ पर वैकेंसी नेम बताएगा, सभी डिटेल आपको यहाँ पर दी गई है। इस भर्ती जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन देगी पोस्ट वाइज उसकी जानकारी आपको इस वेबसाइट पर मेंशन की गई, आप यहाँ से वो भी ले सकते हो। फायरमैन की वैकेंसी होगी उसकी जानकारी आप यहाँ से ले पाएंगे। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो कारपेंटर, कुक सभी की आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड की गई है। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।